शैलेंद्र जी, आज तुलिशा के वकील की तरफ से पक्ष रखा गया, क्या कुछ दलीलें वहां से रखी गई? जिस प्रकार से सोमवार को आपने जिरह की थी, उसको काउंटर भी किया गया, किस प्रकार की दलीलें आज रखी गई कोर्ट में? देखिए, कोर्ट में जो भी दलीलें रखेंगे जनरली यहाँ मुझे नहीं भरना चाहिए। उनके वकील ने जो जो मैंने कोर्ट में डे बिफोर यस्टरडे आर्ग्यूमेंट किया था, ना तो कोई उसका ठोस काउंटर दे पाए हैं। उल्टा जो अभी इतने दिन से कह रहे थे कि शेजान मोहम्मद से 15 मिनट में क्या बातचीत थी, जिस वजह से उसका किया, आज आप सभी लोग अंदर थे, आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट में वो मुझसे बात नहीं किया है। 2 से 2:45 के बीच में मैं निकल गया हूँ, उसके बाद किसी और से बात किया और लास्ट में 3 बजे अपनी माँ से बात की है वो। तो ये तथ्य तो आज पहली बार कोर्ट के सामने भी आया और आप सभी के सामने भी आया और हमारे सामने भी आया। बाकी मेरे किसी भी काउंटर को उन्होंने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया है। I'm confident, शिजान मोहम्मद से पुरसों भी मिला। पुलिस की क्या इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारी बातें तो आप जाके आप लोगों की जिरह के दौरान सामने आ रही है कि लास्ट कॉल किसका था? आपको जिनके वकील ने कहा कि लास्ट कॉल तो माँ को किया गया था, छुट्टी जाने की बात थी, तो क्या पुलिस के जाँच पर भी सवाल उठते हैं? देखिए, डे वन से हमने भले पुलिस स्टेशन में या हमने कोर्ट में कॉपरेशन दिखाया है, क्योंकि किसी की जान गई थी, बट पावर ऑफ अरेस्ट हैज बीन मिसयूज्ड। ये मैंने मेरे हर वक्तव्य में, हर इंटरव्यू में कहा है। पुलिस अगर चाहती तो 2 दिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती। जो तथ्य आज ये कोर्ट के सामने मैंने लाए हैं या सरकार ने लाए हैं या तरुण शर्मा ने लाए हैं, इन तथ्यों के बेस पे तो शिजान मोहम्मद का अरेस्ट 100% इल्लीगल है। सर, आप इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहे हो कि नेक्स्ट डेट पे शिजान को बेल होगी, क्योंकि पिछले 2 टाइम से रिजेक्ट हो रही है, इतने आप कॉन्फिडेंस से कह रहे हो कि नेक्स्ट टाइम हो जाएगी? सबसे पहली बात तो हमारा आज तक कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हुआ है। हमारा हर एप्लीकेशन इसके पहले भी अलाउ हुआ है और हमारा ये जो बेल एप्लीकेशन, ये एडजॉर्न हुआ है फॉर ऑर्डर। परसों हमारे बेल एप्लीकेशन के ऊपर ऑर्डर पास होगी और बेल इसके लिए मुझे मिलेगा, क्योंकि उनके पास, सरकार के पास या किसी के पास कोई तथ्य नहीं है। वो खुद अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करते जा रहे हैं। जो अभी आप सभी मीडिया वालों के सामने कह रहे थे 50 मिनट दूरी पे हॉस्पिटल लेके गया, 50 मिनट दूरी पे हॉस्पिटल लेके गया, आज तो सरकार और तरुण शर्मा दोनों एडमिट करते हैं कि 20 से 25 मिनट की दूरी पे हॉस्पिटल लेके गया। तो अभी सेट से जो हॉस्पिटल में लेके गया हूँ, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, BHMS डॉक्टर को अथॉरिटी ही नहीं है ऐसे मैटर्स को हैंडल करने का। वो पहले पुलिस को बुलाएगी, पुलिस उनको परमिशन देगा, तब जाके आगे बढ़ेंगे। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहले जान बचाने का कोशिश करेगा और उस समय जो इसको उसको जिसको पूछ के जो नज़दीक का हॉस्पिटल मिला हमें, हम नज़दीक के हॉस्पिटल में ही गए। शैलेंद्र जी, आज थोड़ा कोर्ट में हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हुआ और निजी टिप्पणियाँ भी काफ़ी देखने को मिली, काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट रहा, इस पर क्या कहेंगे? काफ़ी निजी टिप्पणियाँ भी की गई। देखिए, हम वकील हैं, वकील का काम है कोर्ट में अपने तथ्यों को रखना। अब उनके लॉयर को एक गंदा आदत है, वो अनबिकमिंग कंडक्ट है उनका, एडवोकेट एटिकेट के बाहर जाके वो काम करते हैं। हमने हमारा पक्ष संयम से, कूल से रखा हुआ है। एग्रेशन में वही आते हैं, बीच में आर्ग्यूमेंट जब हम करते हैं तो इंटरफेयर करना, इंटरप्ट करना, ये उनकी आदत देखी गई है हमेशा। हर प्रकरण में जब भी वो आते हैं, हर डेट में कुछ ना कुछ आते हैं, एलिगेशन लगाते हैं मीडिया के सामने, लेकिन कोर्ट के सामने जब आते हैं उस एलिगेशन में से एक भी एलिगेशन का जवाब नहीं देते हैं। ना तो आज उन्होंने हिजाब पे आर्ग्यूमेंट किया, ना तो आज उन्होंने लव जिहाद पे आर्ग्यूमेंट किया, ना तो आज उन्होंने स्लैप मारा उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट किया। तो जो एलिगेशन वो पुलिस के सामने लगाए हैं उसी एलिगेशन पे अपना तथ्य रखे हैं, और जो जो एलिगेशन वो मीडिया के सामने लगाते हैं, आप सभी मीडिया के सामने क्या इन चीज़ों पे उन्होंने आज कोर्ट में आर्ग्यूमेंट रखी है? एक उसी ने आपने सोमवार को अली का मुद्दा उठाया था, आज ये कह रहे थे कि अली जो है वो जिम ट्रेनर है और नोन फ्रेंड है जिससे उसने बात की और माँ से आपकी कॉल की थी, ये पॉइंट किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, अली तुलिशा का दूर दूर तक जिम ट्रेनर नहीं था। मैंने जो तथ्य कोर्ट के सामने परसों रखे हैं वही सत्य है और कल पुलिस के जांच में वही निकल के आने वाला है। आखिरी सवाल, वनिता शर्मा कोर्टरूम में मौजूद थी, उन्होंने बार बार भावनाओं में आकर कहा कि मेरी बेटी गई है, मेरी बेटी गई है, आप पर भी निजी टिप्पणी करते हुए जज ने कहा कि उन्हें बाहर निकाला जाए, इस पर क्या कहेंगे घटना को लेकर? देखिए, मेरी और सभी की सहानुभूति उनके साथ में है, लेकिन जब 23 तारीख को उनके नॉलेज में शिजान मोहम्मद ने एक एपिसोड लाया था, क्या उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की? उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, तो आज वो पूरा ब्लेम सभी के ऊपर डाल रहे, मेरे ऊपर भी डालने का आज आपके सामने कोर्ट ने कोशिश किया है। बट उनकी व्यक्तिगत राय, उनकी व्यक्तिगत कितनी है, दूर दूर तक हमारा या किसी का कोई लेना देना नहीं है। अगेन आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट, इफ यू वुड हैव टेकन अ करेक्टिव स्टेप्स ऑन 24th December 2022, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। थैंक यू सर।
इनके पास वापस से कह रहा हूँ कोई तथ्य नहीं, सीएम का इंतजार करें, वोट के साथ सभी लोग क्या क्या मीडिया में आके एलिगेशन लगाते हैं, उनको उसमें जब आते हैं तथ्यों के कुछ नहीं जाके व्यक्ति पर टिप्पणियाँ करते हैं, चैलेंज मिश्रा छोड़ के उनके पास इतना मसला है। थैंक यू जी सर। जी जी जी